नमस्कार, मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और मेरी इस छोटी सी जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार और बहुत खास दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास दिन इसलिए क्योंकि आज छत्तीसगढ़ रायपुर में पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला है। इससे पहले रायपुर को बहुत सारे मैचेस मिले, IPL मिला, CL T20 मिला, उसके बाद फिर ये जो रोड सेफ्टी हुआ वो मिला, इसमें सारे लेजेंड्स खेल के गए। बट अभी तक इंटरनेशनल मैच रायपुर में पहला मैच 2000 मेरे ख्याल से 12-13 में IPL का हुआ था, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल मैच नहीं मिल पाया था। 2023 में 11-12 साल बाद जाके इंटरनेशनल मैच मिला है और फाइनली ये टिकट्स, जिसके लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा है लोगों को, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है लोगों को कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पिछले 3-4 दिन से हर जगह टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ ये रहा है कि टिकट्स मिली क्या, टिकट्स कैसे नहीं मिली, कितने में मिली, लोग एक्स्ट्रा पैसे में खरीद रहे थे, एक मिनट के अंदर अंदर टिकट्स बिक गई। पहले वाले स्लॉट में जब PTM ने ओपन किया तो 8 घंटे में सारी टिकट्स बिक गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टाइप की बातें की कि भाई सबने पहले से ले लिया, पहले कुछ और कर लिया, इस टाइप की। तो एक्चुअली क्या हुआ ये पता नहीं, क्या सीन रहा क्या नहीं रहा, बट फाइनली अपने को टिकट मिल गई। शोएब भाई का बहुत बहुत थैंक यू, उनकी वजह से टिकट मिली हमको। तो मैं मयंक जा रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में जा रहे हैं वैभव, सरनी, अन्नी और चोपू, ये लोग चारों जा रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं इनको बोला कि भाई हम भी साथ ही चल लेते हैं क्योंकि अलग अलग जाने का कोई पॉइंट है नहीं। तो ये लोग 11 बजे के आसपास आने वाले हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाएंगे। तो बस स्वप्निल का कॉल आया था, वो भी जा रहा है मैच देखने, तो मैं सोचा कि एक बार उससे भी मिल लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, यहीं है बाजू में, चलते हैं उसे मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर आते हैं वापस। चाय का स्वाद लेने मिश्रा जी के साथ आए हैं, क्या हाल है भाई? एक नंबर। तो स्वप्निल जी जो है बहुत टिकट बेचे हैं और टिकट बेचने के बाद जो पैसा कमाए हैं ये सब नहीं होता है भाई। टिकट बेचा है भाई, अब एक्चुअल प्राइस में भी तो बेच सकता है, मैं ज्यादा कम थोड़ी बता रहा हूँ। तो ये आदमी जो है ये आज मेरे को पार्टी देगा रात को। टिकट के लिए फोन आ रहा है। चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग नहा वहा के तैयार हो गए और सीने पे इंडिया का नाम भी लिखा हुआ है, पीछे विराट कोहली हमारे फेवरेट खिलाड़ी उनका नाम है, और मयंक कारा जी जिनको हमने बहुत जल्दी बुलाया था, काफ़ी लेट लतीफ़ हैं हमको पता था, पर अभी जस्ट पहुँचे हैं वो। ये पीछे आप अगर नज़र घुमाएं ज़रा सा, मयंक कारा जी पहुँच चुके हैं, मैं और मयंक जा रहे हैं, इन लोगों के साथ में जाएंगे। तो वैभव निकल गया घर से, बट फाफाडी में मैच होने की वजह से बिलासपुर से लोग आ रहे हैं, मयंकर पूरा ट्रैफिक है वहाँ फंसा हुआ है, वो बेचारा निकल गया 10 बजे से। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस, वैभव आए, वैभव चोपू को पिक कर रहा है और उसके बाद आ रहा है, तो हम लोग फिर उसके बाद निकलेंगे। हम लोग निकल रहे हैं, ये लोग नेचुरल के सामने मिलेंगे हम लोगों को। तो मैं और मयंक जो है अपनी गाड़ी से निकल जा रहे हैं और सीधे नेचुरल के पास जाके मिलते हैं इनसे। सरनी जा रहा है, वैभव जा रहा है, ये मेसी की जर्सी पहन के आया है, और ये लता मंगेशकर जी से मिलिए, थोड़ा कुछ बोल के दिखाना भाई, ऑपरेशन हो गया इसका, इसको थोड़ा सा प्लीज। और अभी गले का हुआ है, अभी नाक का होगा बोल रहे हैं, नया बता रहे आज मेरे को, कुछ तो और भी है। धीरे धीरे डॉक्टर पूरा शरीर बदल देगा इसका। तो हम लोग खाना खाने रुके हैं, कुछ खा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना ना अच्छा मिलता है ना ही सस्ता मिलता है, एक्सट्रीम महंगा, एक्सट्रीम खराब खाना। करनी स्मार्ट तो था लेकिन थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, लड्डू लेके आया ताकि भाई बाद में भूख ना लगे खाते हैं। हम लोग इतने दूर हैं अभी अपने डेस्टिनेशन से, बहुत ज़्यादा पीछे पार्क करनी पड़ी गाड़ी, मेरे को ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, नहीं तो मैं पार्किंग वाला पास ले लिया रहता। हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और भीड़ अलग, और यहाँ पे विराट कोहली, विराट रोहित बोल के जर्सी बेच रहे हैं, विराट कोहली, विराट और रोहित बोल रहा पकड़ा हार्दिक है, पूरा माहौल है इधर, यहाँ पे सारे लोग खरीद रहे हैं, पानी वानी भी बिक रहा है, बहुत दूर पैदल चलना है अभी। कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन आज? वो सरदार का नाम क्या है? कोहली बना दे सेंचुरी, मजा आ जाएगा। कोहली बना दे, कोई भी सेंचुरी मार, सेंचुरी कोई ना कोई तो इंडिया का बनाए, लेकिन अब ऐसा हार्दिक बनाएगा मजा नहीं आएगा भाई, जल्दी विकेट गिर जाए। हार्दिक सेंचुरी बनाना है मतलब इंडिया का विकेट जल्दी गिर जा रहा है, वो नहीं चाहता हूँ मैं। हाँ, सूर्या मार दे, कोहली मार दे, शुभमन गिल ना मारे क्योंकि वो उसको देखने नहीं आया, उसका हो गया। हाँ, बाकी भीड़ बहुत है, पैदल बहुत चलना पड़ रहा है।
यहाँ से वैभव सरनी इन लोग के रास्ते अलग, ये लोग उधर 5 नंबर गेट में जा रहे, हम लोग को 1 नंबर गेट जाना है, तो हम लोग उधर आगे बढ़ेंगे मैं और मयंक। तो हम अपनी जर्नी में एम्बार्क करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव फन। ये है अपना गेट नंबर 1, यहाँ से अपने को अंदर जाना है। यहाँ थोड़ी कंपैरेटिवली भीड़ कम है क्योंकि वीआईपी एरिया है, तो इस वजह से शायद यहाँ पे भीड़ कम है थोड़ी। ये है अपना गेट और यहाँ पे सारा अरेंजमेंट है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है हमारे लिए। वीआईपी आने का ये फ़ायदा है कि खाने पीने के पैसे नहीं लगेंगे, यहाँ पे ये सारा जुगाड़ है, यहाँ पे खाने का मेन्यू भी लगा हुआ है। पहले अंदर चलते हैं क्योंकि टॉस होने ही वाला है, टॉस हो रहा है अभी। परफेक्ट टाइम पे पहुंचे, एकदम टॉस हो रहा है हम लोग पहुंचे। कुछ कंफ्यूजन हो गया टॉस में, कौन जीता है पता नहीं चल रहा है, शायद वापस से स्पिन करना पड़े। अच्छा हो गया, क्या बोला समझ में नहीं आया। अब रवि शास्त्री जो लास्ट में बताएंगे तभी पता चलेगा। टॉस जीत के इंडिया ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो देखते हैं। अब तो एंड तक बैठना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया की बैटिंग रहेगी सेकंड। तो हम कोशिश और आशा यही करेंगे, हम कोशिश क्या ही करेंगे, आशा ही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने ताकि मज़ा आए मैच में। ये जीकू भैया के दर्शन हो गए, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ एक साथ हैं और वो पीछे रवि शास्त्री हैं, वो उधर। ये जो है ये विराट कोहली और राहुल द्रविड़। यहाँ हमारे स्टैंड के जस्ट बाजू में जो धोनी वाले भैया हैं ना, धोनी सपोर्टर, वो दिख गया था, मैं सोचा कि इनको भी व्लॉग में तो ले लिया जाए। ये जो है यहाँ पे बैठे और सुधीर मेरे ख्याल से उस तरफ है, उस तरफ प्लेयर्स आ गए यहाँ पे पिच पे ग्राउंड के अंदर, सब चीयर कर रहे हैं। बाकी टिकट्स का बदहाली आप देखिए, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं लेकिन पूरा स्टैंड खाली है, और उसका कारण सिर्फ एक है, ये जो टिकट की दलाली हुई है ना, उस वजह से ये खाली दिख रहे हैं स्टैंड, नहीं तो नहीं दिखते। लाला क्या फिट लग रहा है यार, मतलब ये लोग जितने दिखते हैं टीवी पे उससे ज़्यादा लीन है सारे के सारे लोग, जितने दिखते हैं उससे ज़्यादा लीन लग रहे हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है, जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है, रन कम बन रहे हैं, विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। 3 विकेट गिर गए न्यूजीलैंड के, ऑलरेडी 9 ही रन बने हैं अभी। हम तो चाहते हैं कि 300 से ऊपर का स्कोर बने ताकि इंडिया के बैटिंग डेप्थ तक देखने को मिले, मज़ा आए। पहले इंडिया की बैटिंग होती तो बेस्ट होता, बट वो तो हुआ नहीं, तो कम से कम रन तो बने ताकि इंडिया चेस करे। 100-150 रन बनेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, अभी तक तो देख के वही लग रहा है। देखते ही देखते स्टेडियम जो है वो भरने लगा है, इस तरफ तो ऑलमोस्ट भर गया पूरा, ऊपर ऊपर का बचा है, बाकी ये वाला साइड जो है अभी भी खाली है, ये पूरा ही खाली है, ये वाला स्टैंड नहीं है। यहाँ लाइन पे आ गए हम लोग कुछ स्नैक्स लेने के लिए, आराम से लेके खाते हैं। पिछली बार से तो काफ़ी बेटर है इस बार का इंतज़ाम जो है, देखते हैं टेस्ट करके भी कैसा है। करण भी है, कैसा है टेस्ट? अच्छा है, खाते हैं बढ़िया। अंदर शायद ले जाने ना दे, देखते हैं। बट सामने लाइव मैच देखते हुए फोगट का खाना खाने का जो मज़ा है ना, कोई इसका तोड़ नहीं है। क्यों कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है हमारे साथ, 15 रन में 5 विकेट गिर चुके हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एकदम लो स्कोरिंग मैच हो, और मेरे को लग रहा है वही होने वाला है। इधर ड्रिंक्स हुआ है और इधर लंच, सेकेंड राउंड पेल रहा है ये भाई, थोड़ी देर में इंडिया की बैटिंग भी आ जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा ना हो। 28 में 5 है अभी, मयंक नहीं चाहते हुए भी खा रहा है अभी, इसको मजबूरी में खाना पड़ रहा है क्योंकि मैं पकड़ा दिया, मेरे को नहीं खाना था वापस से। कम से कम मिनिमम तो 200 बनना ही चाहिए। सब हो गया, हम लोग चाय पीने के लिए चाय लेने आए फाइनली। अब थोड़ी डिसेंट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, कमेंट्रेटर्स कर्स होता है वैसे, व्लॉगर्स कर्स ना लग जाए बस। कम से कम 200-250 रन तो बनना चाहिए। चाय आधे घंटे तक लाइन में लगने के बाद चाय मिली, और अच्छी चाय, मतलब बुरी चाय नहीं, बहुत अच्छी चाय, नहीं तो यूजुअली ऐसी जगहों में अच्छी चाय नहीं मिलती है, काफ़ी अच्छी चाय। एक और विकेट हो गया, उसके सामने ड्रिंक्स ब्रेक, पूरा स्टेडियम मजे कर रहा है। एक 110 का टारगेट, जिस बात का डर था वही हुआ, और यहाँ पे अभी सेटअप लग गया है 109, मतलब वही यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन एक्शन होगा जो होना है। पहली बॉल पे शुभमान गिल आउट और कोहली आए 50 बनाए, कम से कम अब ये चाहते हैं हम।
मैदान में लाइट्स चालू हो चुके हैं, सामने से लोग भी हट चुके हैं, सारे प्रैक्टिस कर रहे थे जो भी यहाँ पे। अभी तक बाई फार जितने भी मैचेस मैंने यहाँ पे रायपुर के स्टेडियम में देखे, ये बेस्ट व्यू है। यहाँ से आप दोनों तरफ का जो है ना बहुत सही व्यू मिलता है। अभी बस आने वाले शुभमान गिल और रोहित शर्मा, उनके आने तक का इंतज़ार है, फिर उसके बाद तो मस्त मैच देखेंगे। जी आ गए हैं, गिल जी भी आ गए हैं, गिल जी निपट जाए, कोहली आ जाए तो मजा आएगा। स्कोर तो बहुत तेजी से बन रहा है इस बीच, पूरे रायपुर वालों ने अपना अपना फोन निकाल लिया है टॉर्च जला के, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर ये रोशनी बंद हो जाए तो ऐसा लगे जुगनू है। रोहित शर्मा के 50 रन पूरे हुए इस तरीके से और भारत के 70 रन बन चुके हैं। बहुत ही वक्त करीब है जब मैच खत्म हो जाएगा। कोहली चाहिए हमको लेकिन विकेट ही नहीं गिर रहा है। जो हम चाहते थे वो हो चुका है, विकेट गिर गया है, विराट कोहली आएंगे बल्लेबाजी पर। विराट कोहली बल्लेबाजी करने आ गया और आप देख सब खड़े हो गए सारे के सारे। विराट कोहली की बल्लेबाजी भी देख लेंगे फाइनली भारतीय टीम के लिए खेलते हुए। पहला बॉल विराट कोहली, कोहली के आउट हो जाने की वजह से हम व्लॉग नहीं कर रहे थे, बट अभी ईशान किशन ने जस्ट चौका मारा है, दो रन और चाहिए फिर जीत जाएगी हिंदुस्तान हमारी। लोग अब जाने लग गए, बाहर खाना लग गया है, तो खाना है नहीं खाना है देखते हैं, डिसाइड करते हैं। रायपुर बस थोड़ी ही देर में शुरू होगा। मैच खत्म होते ही जैसे ही हम बाहर आए, ये जो लाइन लगी है खाने के लिए लाइन लगी हुई है। खाना है भैया खाना? नहीं। क्या ही भीड़ है, बाप रे, लोग लाइन लगा कैसे खड़े हैं खाने के लिए, खतरनाक। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो बहुत ही मज़ेदार रहा। मज़ेदार इसलिए रहा क्योंकि हम लोगों को जो खाने पीने की चीज़ें और ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई और इस बार अच्छी क्वालिटी की मिली। अदरवाइज़ वो जो खाना मिलता है VIP कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स में वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैच के साथ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ये इसलिए रहा क्योंकि बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ। इंडिया पहले बैटिंग कर लेती अगर लो स्कोरिंग मैच नहीं होता और थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है इंडिया की जीत तो हुई, एटलीस्ट हार जाती इंडिया तो ज़्यादा तकलीफ होती। तो ओवरऑल मज़ा आया, कैसा लगा मैंग? वनडे मैच तो पहली बार देखा ना, इंटरनेशनल मैच मेरे ख्याल से पहली बार देखा। हाँ भाई, इंटरनेशनल मैच मैं पहली बार देखा, वो वाले में पिछली बार आया था ना तू, IPL और रोड वाले में आया था, इसमें इंटरनेशनल पहला हो गया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ही था, बस रन ज़्यादा बन जाते तो मज़ा आता। अब बस एक चीज़ जो हम लोगों की टफ है हम लोगों को करनी है वो ये है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है और सर्नी लोग 5th नंबर गेट पे थे। हम लोग कार तक पहुंचते हैं, कार तक चल के देखते हैं, यहाँ लेज़र शो होने वाला है तो पता नहीं उन लोग लेज़र शो के लिए वेट कर रहे हैं या निकल गए। तो हम लोग तो निकल गए हैं ये सोच के कि उन लोग भी निकल गए होंगे और जाके देखते हैं उन लोग, या तो रास्ते में मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलते हैं तो होपफुली वो लोग कार के पास मिल जाए, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है। कार पास अगर रहता तो ये स्टेडियम है और ये पार्किंग है, बट मैं लेना भूल गया और मेरे को बिल्कुल याद नहीं आया कि कार पास जैसी चीज़ भी हमको लेनी ज़रूरी है, इसलिए पैदल जाएंगे लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से। क्या ही भीड़ है, मतलब गजब की भीड़ है, सारे लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि सामान्य पार्किंग जो जनरल पार्किंग है वो सबकी सेम ही है, तो इस वजह से सारे लोग पैदल जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। ये लोग मिल गए हम लोगों को तुरंत ही वहाँ पे। कैसा लगा भाई मैच चोपू जी? चोपू ज़्यादा बोल नहीं सकता लेकिन मैं चोपू से ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़। कोहली देख लिया भाई, वो तो अच्छा हुआ कोहली आ गया, नहीं तो इतना दुख होता ना। और मैं उन लोगों का दुख सोच रहा हूँ जो लोग पैसा देख के देखे हैं, वो भी ज़्यादा ब्लैक में, बहुत दुख भाई, बहुत दुख। ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और स्टेडियम में मैच होता रहे लगातार, हम यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगे हमारी BCCI से और हमारे छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि इतने लंबे समय तक के गैप के बाद में इतने अच्छे स्टेडियम में मैच हुआ जबकि फुल क्राउड आपने देखा ही कैसे रहता है अपने यहाँ पे। IPL में भी हमेशा से ऐसी फुल क्राउड ही रहा है,
बस वो टिकट की जो काला बाजारी होती है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी अदरवाइज हमेशा यहाँ पे आपको ऑडियंस फुल ही मिलेगा। टेस्ट मैच भी मेरे को लगता है अगर देंगे यहाँ पे, बट एक प्रॉब्लम जो कंसिस्टेंटली मुझे दिखा है वो है लो स्कोरिंग का। जितने आईपीएल के मैचेस हुए हैं नॉर्मल मैचेस में सब लो स्कोरिंग ही होते हैं, वो क्यों होता है पता नहीं, वो क्योंकि ऑडियंस को तो लो स्कोरिंग मैच में उतना मजा नहीं आता है ना। आप चाहते हो कि चौके छक्के पड़े, थोड़े रन बने, आप अपने स्टार्स को लंबे समय तक बैटिंग करते देखो तब मजा आता है, ज़्यादा लोगों को बैटिंग करते देखो तब मजा आता है। तो बट ऐसे टीम की जीत जीत होती है वाले हिसाब से देखें तो इट वॉज गुड। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।